दोस्तों जो खिलाड़ी अपना जीवन में अधिकतम समय टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, उस बल्लेबाज को अगर आप 7 नंबर पे बल्लेबाजी देती हो, इससे आप क्या साबित करना चाहती हो, ये तो लोगों को पता चल गया है। दोस्तों रियान पराग ने अपना क्रिकेट करियर की अधिकतम समय अपना टीम असम के लिए 4 नंबर पे बल्लेबाजी की है, राजस्थान रॉयल्स के लिए 4 नंबर पे बल्लेबाजी की है। अब उन्हें इंडियन टीम में 7 नंबर पे बल्लेबाजी देकर उनकी मनोबल तोड़ा जा रहा है। क्या ये पॉलिटिक्स है या फिर ऑक्शन जल्दी ही होने वाला है आईपीएल का, इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है? अगर रियान पराग को टीम इंडिया में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दिया गया, उन्होंने अगर बेहतरीन बल्लेबाजी की तो उन्हें ऑक्शन में जगह मिल जाएगा, उन्हें ज़्यादा रुपया मिल जाएगा, क्या इस चक्कर में रियान पराग के साथ गलत हो रही है? दोस्तों ये जो भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज चल रही है, इस सीरीज में जो खिलाड़ी खेल रही है उनके लिए ये सीरीज आईपीएल की ऑडिशन की तरह ही है, क्योंकि इस सीरीज में जो खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे उन्हें ज़्यादा रुपया मिलने की चांसेस है। दोस्तों अब बांग्लादेश के खिलाफ हर खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है सिवाय एक खिलाड़ी, वो है रियान पराग। रियान पराग को ना दिया जा रहा है गेंदबाजी, ना दिया जा रहा है बल्लेबाजी। 7 नंबर पे रियान पराग को बल्लेबाजी दिया जा रहा है। पहला मैच में उन्हें गेंदबाजी नहीं दिया गया, दूसरा मैच में दिया गया लेकिन पूरा 4 ओवर डालने के लिए नहीं दिया गया। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ गलत हो रही है। जस्टिस फॉर रियान पराग। दोस्तों भारतीय इस टीम में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह खेल रही है। इन दोनों खिलाड़ियों को आमतौर पर भारतीय टीम में फिनिशर के रूप में खिलाया जाता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को गौतम गंभीर रियान पराग से पहले बल्लेबाजी दे रही है और रियान पराग जो टॉप ऑर्डर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करती है उन्हें फिनिशर के रूप में बल्लेबाजी दिया जा रहा है। ना जाने गौतम गंभीर क्या सोच रही है। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच में छोटा स्कोर था, हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया गया, कोई बात नहीं वो सीनियर खिलाड़ी है। अब दूसरा मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, जल्द ही हमारा 3 विकेट गिर गए, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव, फिर आ गया नीतीश कुमार रेड्डी, अच्छी बात है अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन फिर बेच दिया गया है रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह की जगह आप रियान पराग को बेच सकते थे, क्योंकि रिंकू सिंह है फिनिशर और रियान पराग 4 नंबर का खिलाड़ी है, टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है। और दोस्तों जब रिंकू सिंह आउट हुआ फिर भी रियान पराग को बल्लेबाजी नहीं दिया गया, वहां पर बेच दिया गया हार्दिक पांड्या को। लेकिन जब 7 नंबर पे रियान पराग को मौका मिला, इंडियन टीम की रन गति थोड़ा स्लो हो गया, उन्होंने 2 छक्का लगाया, इतना लंबा छक्का लगाया कि सारे खिलाड़ी देखते ही रह गए। उसके बाद तो टीम इंडिया की एक के बाद एक विकेट गिरता रहा, आखिरी ओवर में भी रन नहीं बने, लेकिन रियान पराग ने जो 2 सिक्सेस लगाए थे ये काफी जरूरी था। रियान पराग ने केवल 6 गेंदें खेली है, 15 रन बनाई है और टीम इंडिया की स्कोर को छलांग लगाकर पहुंचा दिया 221 रन पर। और दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग बात यह थे कि दूसरा मैच में सबको गेंदबाजी मिल रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने बल्लेबाजी के लिए ऊपर आया था उन्हें दूसरा नंबर पर गेंदबाजी भी मिला। नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट चटकाए, उन्होंने रन भी बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी की, अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी की और दोस्तों उसके बाद रफ्तार के सदागर मयंक यादव ने भी गेंदबाजी की। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि भाई सबको गेंदबाजी दिया गया, रियान पराग को क्यों गेंदबाजी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आखिरकार रियान पराग को गेंदबाजी दिया गया और वहां पर उन्होंने बता दिया कि गेंदबाजी में भी हमारे पास दम है और उन्होंने विकेट भी लिए, रन भी काफी कम दिए। रियान पराग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट निकाल लिए। लेकिन दोस्तों ये सवाल तो उठेगा ही, क्या आईपीएल की ऑडिशन की वजह से रियान पराग को गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं दिया जा रहा है? क्या इंडियन क्रिकेट टीम में पॉलिटिक्स चल रहा है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है और कुछ खिलाड़ियों को रोका जा रहा है?
दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में जो कर दिया है, इसका असर आईपीएल में कैसे पड़ेगा आप लोग जानते हैं। और दोस्तों जिन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन नहीं कर पाया उसका भी असर आईपीएल के ऑडिशन में जरूर पड़ेगा, देखते रहिएगा दोस्तों। दोस्तों इसके पीछे क्या है, टीम मैनेजमेंट की क्या सोच है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रियान पराग को 7 नंबर पे बल्लेबाजी देना, इसके पीछे कुछ लॉजिक भी नजर नहीं आता, क्योंकि रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या के रूप में 2 फिनिशर आपके पास मौजूद है। तो दोस्तों ये टीम क्या कर रही है, गौतम गंभीर क्या सोच रही है, सूर्य कुमार यादव का कितना चल रहा है कप्तानी में, ये तो आप लोग जरूर देख रही है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे दोस्तों रियान पराग को जितना भी खेलने को मौका मिला उनको बस दिखाना था कि उनके अंदर क्या काबिलियत है। उन्होंने 6 गेम में 15 रन बना दिए, आउट हो गए, 2 सिक्सेस लगाए, गेंदबाजी दिया गया आखिरी में विकेट लेके दिए, और क्या कर सकता है एक खिलाड़ी। अगर रियान पराग को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दिया जाता, अगर उन्हें पहले गेंदबाजी दिया जाता तो अलग बात होता, उनको फिनिशर के रूप में देखा जा रहा है और उसी तरह से उन्होंने खेल के भी दिखाए। जो भी हो दोस्तों ऑल ओवर रियान पराग को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि 4 नंबर का बल्लेबाज 7 नंबर पे बल्लेबाजी कर रही है, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है वो फिनिशर के रूप में खेल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीम मैनेजमेंट ये सही कर रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यही तक था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, जय।